हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे। मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस अभी बच चुका दोपहर का एक और हम चुके हैं नहा के रेडी, क्योंकि आज है फ्राइडे जुमा। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, जुमे के हम नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी फ्रेश व्रेश हो चुके हैं, अभी जाने वाला हूँ मैं छत पर धूप लेने के लिए। ये मैंने झुंड वगैरह पाल रखे हैं, थोड़ा इन्हें सुखा लें और लोअर वगैरह धोया था उसे डाल आते हैं ऊपर। भाई हम जा रहे हैं अभी छत पर लोअर डालने के लिए और थोड़ी धूप उड़ेंगे। ये भाई तीन चार मंजिल मकान है और ऊपर चढ़ते चढ़ते हम थक जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब चढ़ता नहीं काफ़ी टाइम से, मतलब मेहनत वगैरह करी नहीं है, इन्हें सांस से बंदा रही है। मेहनत वगैरह आदमी करता रहता था तो थकता नहीं है काम करते हुए। अब हम ये काम तो करते हैं ना, बैठे रहते हैं सारा सारा दिन। ये है नज़ारा सारा। भाई बाल बहुत अजीब लग रहे होंगे मेरे, डाल देते हैं अपने लोवर। जा रहा है ऐसा, ये सब तो आप लोग देख चुके हैं पहले से। गाइस ठंड में जो है धूप का अपना ही मजा होता है। ठंड में ये मान लो धूप निकलने के बाद में अगर धूम आदमी पहुंच जाता तो एक ऐसा फील होता उसे जैसे जान में जान आ गई। बाकी हाँ, वीडियो को लाइक करते रहो यार और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट बनाए रखो अपनी यार। बहुत ही जल्दी, मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं बार बार यही बोलता हूँ वीडियो में कि मैं बहुत ही जल्दी ट्रैवल शुरू करने वाला हूँ इंशाल्लाह ईद बाद। अभी समथिंग 2-3 महीने लगेंगे मेरे को, उसके बाद मैं ट्रैवलिंग शुरू कर दूँगा। फिर आपको एडवेंचर रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे आपको, और इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे। और ये ऐसा कुछ मेरे पीछे का व्यू है सारा छत का, और वो सामने देख रहे होंगे वो बना हुआ, वो मेट्रो का है। मेट्रो उस लाइन पर चलती है, वही ब्रिज बना हुआ मेट्रो का। वो मेट्रो मुझे दिख भी रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी इसमें कैमरे में, क्योंकि इतने टाइम इतनी दूर से तो ये मतलब ले नहीं सकता ना। तो मैंने अभी गोप्रो वगैरह ख़रीदा नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ही मैं ख़रीद लूँगा। और अभी तो मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ वीडियो। अगर कोई ब्लॉगिंग करता है या फिर मतलब किसी को ब्लॉगिंग सेटअप से रिलेटेड कुछ जानकारी हो, जैसे कि नॉइज़ कैंसिलेशन, कौन सा माइक अच्छा होता है जो नॉइज़ कैंसिलेशन करे, वो ख़रीदूँ मैं, कौन सा गोप्रो सही रहेगा या कौन सा कैमरा सही रहेगा ब्लॉगिंग के लिए, आप मुझे कमेंट में बताना अगर कोई अगर मेरा मतलब ब्लॉग देख रहा है तो। हाँ, और बाकी कहाँ कहाँ से आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके बताना। अभी गाइस धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है माशाल्लाह से, और ये ठंड का मौसम चल रहा है अभी, समथिंग फरवरी और ठंड पड़ेगी उसके बाद में इंशाल्लाह गर्मी आने वाली है। गर्मी समथिंग आ ही चुकी है, क्योंकि पहले आदमी बहुत सारे मतलब जैकेट जर्सी वगैरह पहन रहा था, अब शर्ट और टी शर्ट में काम चल रहा, सिर्फ रात में ही ठंड पड़ रही है। और दिल्ली का अभी मौसम बताऊँ तो समथिंग तो 18 डिग्री सेल्सियस भी मतलब अच्छा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और रात में ठंड थोड़ी सी है, बस रात में ही ठंड फील हो रही है। बाकी अभी धूप में सूरज के सामने तो भाई आँखें खोल नहीं रही हैं बिल्कुल भी। आँखें थोड़ी धूप लेके या फिर ठंड में आदमी को धूप मिल जाती है तो मतलब एनर्जी से फील होती है, क्योंकि आप लोगों ने अगर किताब वगैरह में पढ़ा होगा या फिर कहीं सुनने को मिला होगा या डॉक्टर्स वगैरह लोग बताते हैं कि धूप में जो होती है वो विटामिन डी होती है, जो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है ना उससे, थोड़ी आदमी को धूप भी लेनी चाहिए। भाई गर्मियों में तो क्या, गर्मियों में तो आदमी को हमेशा धूप ही मिलती है, ठंड में और छत वगैरह पे जाए आदमी तो धूप थोड़ी बहुत देर सेक लेना चाहिए। बाकी चलिए चलते हैं और नमाज़ पढ़ने, अभी 1:02 तो गाइस अभी हो चुका लंच टाइम और हमारे खाने में आई आज बिरयानी। गाइस आपने ये गली तो देखी होगी, अक्सर हम इस गली से जाते हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ लोन लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने कर लिया रोड क्रॉस और हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ। अभी मैं जाने वाला हूँ पार्क घूमने के लिए, अभी मौसम थोड़ा सही हुआ था तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यार पार्क को घुमाता हूँ, तो हम चलते हैं पार्क की तरफ। हमने रोड चेंज कर दिया इस वजह से, उधर से रोड पे में खरीदेंगे लोबर। ये इलेक्ट्रिक बाइक भी सही है,
शायद कंपनी देती है, डिलीवरी बॉय वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। तो गाइस अभी क्या है, पिछले 10 मिनट से समथिंग में चल रहा हूँ और ये मेरे रूम से समथिंग 1 किलोमीटर के एरिया में आता है वो, ये पार्क है। मैं पहले भी आया था, आप सबको लेकर आया था यहाँ पर, मैं समथिंग आया था नवंबर दिसंबर में, जिसका नाम है सूरज मल स्टेडियम। और मैं वापस से फिर से एक बार फिर आ चुका हूँ सूरज मल स्टेडियम। रूम पर बड़े बड़े भी बोर हो जाते हैं यार, पूरा हफ्ता पड़े रहते हैं, फ्राइडे को छुट्टी रहती है हमारी, काम वाम से अगर फाइनल होते हैं तो हम थोड़ा घूम लेते हैं। और आपसे भी मैं बात कर लेता हूँ, बाकी हाँ बीच बीच में अगर टाइम मिलता मुझे तो मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी हाँ यार, अभी मैं दिखाने का कुछ लिए हैं या मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको डेली दिखा पाऊँ। बाकी हाँ बहुत जल्दी मैं मतलब फ्री होने के बाद में ही कर पाता हूँ। और ये है कुछ इसके बाहर का गेट का एंट्रेंस, और चलिए चलते हैं। ये है बरगद का पेड़ जो कि मुझे काफ़ी पुराना लग रहा, और मैं तो ये राय दूंगा कि मतलब सब हम जितने भी हैं, अगर आपको जीवन बचाना और ऑक्सीजन की नीड्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो वृक्ष लगाना शुरू करें, क्योंकि ये सही है, इससे जो वातावरण जो है मतलब जो हवा है वो प्योर रहती है वृक्ष की वजह से ही। और ये अभी यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष वगैरह लगाए गए हैं, का कुछ सीन आज का। आज बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ठंड हो रही थी तो कहीं कहीं मतलब धूप निकल रही थी, कहीं मतलब गर्मी हो रही थी, कहीं ठंड हो रही थी, तो उससे जो मतलब ब्लैक ब्लैक आ रहा था सारा कैमरे में। और ये यहाँ का कुछ व्यू है, माशाल्लाह कुछ शानदार व्यू आ रहा है। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं ना तो लोग मतलब देखते ही देखते हैं कि यार ये करके रहा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ उस साइड बच्चे खेल रहे हैं सारे लड़के, मतलब क्रिकेट खेल होता है। भाई रूम पर पड़ा रहता हूँ, बड़ा मतलब अजीब सा फील होता है और जैसे घुटन सी हो रही हो। यहाँ पे आने के बाद में यकीन करना भाई, देखो मेरे पीछे देख सकते हो सारा पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे आने के बाद में एक एनर्जी सी फील हो रही है, और एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, एकदम जैसे मतलब प्योर प्योर हवा हो। यही तो भाई ऑक्सीजन का मतलब, ये पेड़ वगैरह लगाने इंसान को चाहिए, क्योंकि इससे जो है इवन है। देख रहे हो आप, ये दिन के समथिंग टाइम हो रहा है 4 बजे, और 4 बजे ये जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इतने टाइम में, शाम के टाइम करता है इंसान, ये दोपहर में कौन करता। अभी यार मेरा ट्राइपॉड वगैरह ज़्यादा हिलने लगा, उससे जो थोड़ा मतलब वीडियो हिल रही है। कोई नहीं, जल्दी ही मैं गिम्बल लेने वाला हूँ। गिम्बल से जो स्टेबलाइज रहती है वीडियो, ज़्यादा हिलती नहीं है, और जो चीज़ें अच्छे से आदमी दिखा सकता है। सही है इस टाइम पे बैठने वगैरह के लिए, और गर्मियों में बैठने के लिए टाइम पास कर सकता आदमी, और थोड़ा फ्रेश फील करना चाहे तो। और ये आई थिंक ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे होगे, ये तो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कहीं, कुछ लोग मतलब इसमें कुछ कर रहे थे, तो शायद आई थिंक वो यहाँ पे पौधे ही लगा रहे थे, उन्होंने शायद बीज वगैरह इसमें लगाए होंगे, तो उसके बाद में मतलब ये पेड़ हो गए। वो समथिंग में आया था करीब 2 महीने पहले आया था यहाँ पे, तो 2 महीने पहले आया था, 2 महीने में ये हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये घास वगैरह ये सारी नई जम रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी ये सूख गई थी, ये सुखा दी थी, ये मेरे को मालूम नहीं है। और ये यहाँ पे फुवारे से पानी लग रहा है, और मैं इस साइड दिखा दूँ आपको, क्योंकि अभी तो मतलब ये पानी की सख्त ज़रूरत है इसे, अभी ये सब सूखा पड़ा ये। और ये आज हम बोरवेल से पानी चल रहा है, ये भाई क्या ही सीन है, एक नंबर यार, एक नंबर ज़बरदस्त। पेड़ वाले एरिए में रहते होंगे, और कभी मतलब किसी पार्क वगैरह में या कहीं पे जाते होंगे तो आपको कैसे फील होता होगा कमेंट करके बताना, मुझे तो भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है। कहते हैं जो मटर की खेती होती है ना, तो मटर की खेती करते हैं तो इसी से पानी लगाते हैं किसान। मैं भी एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और बाकी मैं गांव जाऊंगा शायद, आई थिंक मैं अप्रैल में जाऊंगा गांव, तो सारा कुछ मैं अपने गांव को दिखाऊंगा, सारा टूर कराऊंगा आपको गांव का। अगर आप गांव से हो तो आपको मालूम होगा कि मतलब गांव एरिया में कैसे फील होता है, एक अलग ही वाइब आती है, और एकदम खुला खुला फील होता है भाई,
कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, मतलब होता है ट्रैफिक तो हमारे बहुत कम होता है, एक साइलेंस होता है, एक शोर शराबा नहीं होता बिल्कुल भी। अप्रैल में जाऊंगा मैं गाँव तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा, बाकी घर जाने के बाद में तो आपको डेली ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चाचा ये कौन सा पेड़ होता है, ये फूल कौन सा होता है, ये बबूला। अच्छा भाई चाचा बता रहे हैं ये इसका पौधे का नाम है बबूला, ये फूल होता है शायद, आई थिंक। कितना प्यारा आप देख सकते हो, गर्मी होती है और स्लोली स्लोली हवा चलती है तो कुछ अच्छा फील होता है, और अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि एक प्यारी सी हवा चल रही है बहुत, और बहुत अच्छा फील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है, और बाकी लड़के वगैरह ये क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, धोनी हो गए या कोई भी हो गए, तो ये भी एक गाँव से ही या कहीं से निकले होंगे और शुरू में उन्होंने ऐसी ही शुरुआत की होगी। बालों का क्या सीन है, बालों का यार ये सीन है, ये जब तक गीले रहते हैं ना तब तक अच्छे लगते हैं, बाकी उसके बाद में सूखने के बाद में तो बहुत बुरे लगने लगते हैं, बिखरे बिखरे लगते हैं, और मेरे कहीं से हेयर जो है थोड़े थोड़े वाइट हो चुके हैं। अरे जल्दी मैं सोच रहा हूँ यार स्ट्रेट करा लूँ, कराऊँ कि नहीं कराऊँ, कोई डिफेक्ट तो नहीं होगा बालों में, ये सोच रहा हूँ। हाँ कि मतलब मैं करा सकता हूँ कि मेरे, मुझे ये मतलब शौक है वैसे बाल रखने का, मुझे बड़े बाल रखने का, मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रेट करा लूँ, देखते हैं। फिर मैं ये सोच रहा हूँ यार, क्योंकि केमिकल वगैरह होता है ना उसमें, जितनी भी क्रीम्स वगैरह लगती हैं उसमें तो भाई बाल झड़ने के भी मतलब खतरा रहता है, डिफेक्टिव हो सकते हैं, मतलब चलो देखता हूँ कराना ही है नहीं करानी है, अभी तो नहीं करा रहे, कलर वगैरह भी नहीं करा रहा यार, जो है नेचुरल होना चाहिए भाई, और कहीं कहीं से वाइट हो गए थे ये मेरे समथिंग नज़ले से, ये आज के दौर में आपने देखा होगा पहले क्या था, एज के हिसाब से लोग बाल वाइट होते थे तो कहते थे मतलब ये मतलब इसकी उम्र काफ़ी हो गई है तो इस वजह से वाइट हो गए, बाकी इस टाइम तो आपने देखा होगा ज़्यादातर कुछ ऐसा नहीं है, ये एज वाइज का कुछ सिस्टम नहीं है, ये आप बच्चों के देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब ज़्यादातर होने लगे। एक रीज़न ये है कि हम ज़्यादातर अपने लाइफ में डेली लाइफ में ज़्यादातर केमिकल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हर चीज़ में केमिकल्स पड़ने लगे हैं, पहले फसल वगैरह ले लो सारों में केमिकल्स पड़ने लगे हैं, पहले साल में सिर्फ दो फसलें होती थी, अब इन जो किसान वगैरह हैं या कोई भी है तो वो अब समथिंग दो तीन फसलें लोग कर रहे हैं, और सिर्फ ये एक ही चीज़ है जो मतलब ये कर सकती है, ये हमारे साइंटिस्ट जो लोग हैं उन्होंने मतलब ये दवाइयाँ वगैरह बनाई, ये है कहीं फ़ायदा भी है तो कुछ नुकसान भी होता है, कोई नहीं ये लाइफ है ऐसी ही चलती रहेगी, हम क्या ही कर सकते हैं, केमिकल्स जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है और ये ज़रूरी है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई होप कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर मतलब माइक जो है मेरा ये कॉलर माइक है, ये मैं ऊपर लगा के रखता था जिससे कि मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं आती थी, और ये मैंने मतलब अब नीचे किया तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह की रिकॉर्डिंग सुनी जो मुझे अच्छी लगी कि हाँ आवाज़ थोड़ी सही आ रही है, हाँ इतना मतलब बुरा भी नहीं है, शुरू में भाई थोड़ा पैसे का भी इशू होता, बजट का इशू होता, तो इस वजह से मैंने ये माइक मंगा लिया था। हाँ ये बोया का बहुत अच्छा माइक है, अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे ये महाराजा सूरजमल जो थे उनकी ही प्रतिभा है, इसका जन्म मैंने अभी अंकल से पूछा था तो उनको शायद एग्जैक्टली पता नहीं था कि उनके जन्म कब हुआ था, शायद कब हुआ था ये तो अंकल को मालूम नहीं, ये बोल रहे थे कि शायद 14 फरवरी को इनका जन्मदिन था और अभी ही निकला है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में मतलब उनको नॉलेज नहीं है, ये हमें नॉलेज है, मतलब चेक भी नहीं किया, ये गूगल क्रोम वगैरह पर आप चेक करना कि दिल्ली में महाराजा जो सूरजमल थे उनकी हिस्ट्री वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो। काफ़ी साफ़ सुथरा पड़ा रहता और इधर भी सब साफ़ करा दिया, ये पानी भर दिया गया सब ताकि इन पेड़ों को थोड़ा सा जी मिले, जल ही जीवन है और जीव पानी के बगैर जीवन नहीं है। क्या मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ भाई, बैठे ही रहता हूँ, वहाँ पे जाके काम करते हैं तो सिलाई लाइन में आपको पता ही होता सारा दिन स्टूल पे बैठे रहते हैं, तो अभी मैं दो तीन चक्कर लगाता हूँ इस पार्क के, थोड़ी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ये है डस्टबिन, तो मैं सभी से कहूँगा कि ये डस्टबिन जो है सारे लोग मतलब जो जैसे पार्क हो या कुछ भी मतलब रोड वगैरह एरिया में ये डस्टबिन ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हमने आउट ऑफ कंट्री हम कहीं पे भी जाते हैं तो ज़्यादातर देखते हैं मतलब वहाँ पे जो डस्टबिन वगैरह देखने को मिलते हैं, मगर ये इंडिया के अभी अंदर जो है लोग कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, साइड वगैरह में अगर आपको डस्टबिन वगैरह कहीं मिलता है तो आप डस्टबिन में फेंकें, नहीं तो एक कैरी बैग ले लें, कैरी बैग में रखें मतलब उसे अगर कोई आपको कचरा आपके पास होता है तो, और हाँ सर्च करके, क्योंकि भाई गंदगी ये साफ़ करनी है, अगर देश की गंदगी साफ़ करनी है तो हमें भी उसमें योगदान देना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, क्यों करना चाहिए यार, पर हम नहीं करेंगे, देखो कोई भी अधिकारी है कोई भी है, एक दो लोग या
20-25 लोग, 20-25 हज़ार लोग, 20-25 लाख लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई। हर किसी करने से ना आपका थोड़ा सा टाइम जो है आपको लगेगा यार थोड़ा यार टाइम बर्बाद हो गया मेरा ये कुछ, बाकी आप करके देखो तो आपको फील होगा। ये सभी लोग अगर करने लगे ना तो भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी सारा मतलब ये दूर हो जाएगा। और हाँ, सोचे आदमी के यार मैं क्यों करूँ, तो भाई अगर तुम करो ना शुरू से, पहले खुद करो फिर दूसरे को अगर मैसेज आपको देख के क्या पता वो भी सुधर जाए तो बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा लोगों को। ये करना चाहिए हमें, कैरी बैग है, पोलोथीन वगैरह कोई है, और आप अगर कोई खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं कचड़ा हो जाता तो आप उसे कैरी बैग में रखिए और अपने पास रख लो। अगर आपको कहीं डस्टबिन नहीं मिल रहा और आजू बाजू जैसे डस्टबिन दिखे तो उसमें डाल दो उसको, ठीक है। बस मेरे यही कहना था आपसे। अभी क्या मैं इसमें अंदर घुसा था स्टेडियम के मतलब इस पार्क के, पार्क के जब अंदर को जैसे आया था मैं तो वहाँ पे यहाँ पे घूमते हुए शायद वीडियोस वगैरह बनाते हुए किसी अंकल ने मुझे देख लिया, वो सिक्योरिटी गार्ड से जाके बोले भाई कोई वीडियो बना रहा, कोई चेक इन वगैरह वाला लग रहा है, शायद उनको ये मतलब लगा ऐसा, तो उन्होंने मेरे वो बुलाया, बोले भाई क्या सीन है, तो मैंने बताया अंकल ऐसा कुछ है, बोले कोई नहीं हमें तो मतलब ये इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें पता था कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चेक इन वगैरह की कोई बात नहीं है, और बाकी चलो उनकी तसल्ली के लिए तो वो अंकल जो जिन्होंने शिकायत की थी वो वहीं पे गेट पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि बेटा क्या कर रहे थे तुम, तो मैंने कहा अंकल वीडियो वगैरह बनाता हूँ, कि अच्छा कि मुझे लगा कि मतलब चेक इन वगैरह आ गया, चेक इन वगैरह आ गई क्या, कोई चेक इन वगैरह के लिए आ गया क्या, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, चेक इन वगैरह के लिए अगर कोई आ गया तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। हाँ तो उन्हें ऐसा लगा कि मतलब कोई चेक इन वगैरह कोई अधिकारी वगैरह आ गया, बाकी हाँ मैं आप देख सकते हो मुझे लगता किधर से अधिकारी किधर से नहीं लगता, पर हाँ वो कैमरा वगैरह देख के उनको ऐसा लगा कि मतलब ये वीडियोस वगैरह क्यों बना रहे हैं, तो ऐसा लगता है इंसान को। कोई नहीं, सोच है, कोई भी डर सकता है, अगर कुछ ऐसा होता था कि चलते हैं रूम की तरफ, मैं जाके जाते हुए मार्केट से मुझे लोवर लेना था वो लोवर लूँगा, और बाकी इस पार्क से चलते हैं हम लोग, मार्केट में दिखा दूँगा आपको जहाँ से लोवर खरीदने वाला हूँ, ज़्यादा महंगा लोवर नहीं खरीदूँगा। बताना कि ये पार्क आपको कैसा लगा, बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत। तो बाकी आपको दिल्ली में कोई फेवरेट प्लेस है जो मैं आपको दिखा सकूँ, और आपको अगर देखना हो तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने लाल किला, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट और जामा मस्जिद की तो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और देखते हैं नेक्स्ट टाइम कहाँ जाते हैं, मेरा आज जाने का प्लान था निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन, तो भाई ऐसा था जुम्मे का रोज़ होता, जुम्मे के दिन छुट्टी होती है भाई, जुम्मे का दिन होता छोटा, तो जब जुम्मे का दिन छोटा होता है तो भाई मैं नमाज़ पढ़ने गया तो 2-3 बज गए मुझे, खाना खाया मैंने वहाँ से आने के बाद, तो भाई यहाँ से रास्ता पड़ता करीब 1-1.5 घंटा मुझे पहुँचने में लग जाता, शाम हो जाती पहुँचते पहुँचते, तो इस वजह से मैंने मतलब वहाँ का प्लान कर दिया कैंसिल। देखो अगर किस वीक में या नेक्स्ट वीक में अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं मतलब जाऊँगा वहाँ पे और आपको ज़्यारत कराऊँगा, और बाकी कमेंट करके बताना अगर आपको दिल्ली में कोई फेवरेट प्लेस है और घूमना है जाना है तो। और बाकी हम यहाँ से एग्जिट लेते हुए, ये इसका गेट, यहीं से हमने एंट्री ली थी और यहीं से एग्जिट, और ये है कुछ बाहर का, यही वो मार्केट है जहाँ पे लोवर खरीदते हैं, लोवर आप देख रहे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सही लग रहा पैक कर दो मीडियम साइज भाई, भैया से मैंने ये लोवर खरीद लिया जाने वाले रूम पर, भाई भैया बोल रहे थे कि हमारा ही फोटो लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी मैंने ये लोवर ले लिया है, ये पड़ा हमें 200 रुपये का, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार हमारी वीडियोज़ वगैरह ले लो और हमें भी दिखा दो यार, वो भैया पीछे मिले थे, मैं कोई नहीं यार आपको भी दिखाएंगे, भैया मार्केट है भाई, अभी तो फ्राइडे है तो इतनी भीड़ है, तो बाकी संडे के रोज़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमने ले लिए हैं किलो, देख रहे होगा आप, आधे किलो ले लिए, ये शायद मैंने कहीं वीडियो में देखा था या कुछ, ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, खाना चाहिए इंसान को, भैया खास करके आपको जाड़ों में ही देखने मिलेंगे ना, तो बाकी तो संतरे वगैरह भी मिलते हैं, रेट वगैरह की सोच रहा था ना बनवाने के लिए, तो मैंने अभी प्लान कैंसिल करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कहाँ जाना है
तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक बनवा लूँ, थोड़े पैसे हो जाएंगे। तो हम बोलोगे यार कितना कंजूस है भाई, करना पड़ता छोटी छोटी सेविंग करनी चाहिए। हाँ अगर कहीं जाना रहता है या कुछ तो कोर्स में बनवाता भाई, कहीं जाना नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेड के 50 रुपीज़ लगते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ 50 रुपीज़ सेव कर लूँ। कभी भी मतलब इंसान को प्लानिंग के साथ में ही चलना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद रहता। हाँ सेव करना चाहिए पैसा, क्योंकि मनी है तो बहुत कुछ है। शाम के बज चुके हैं 5, बाकी चलिए इस ब्लॉग को करते हैं पेंट और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।